श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 7 दैट इज फ्रैक्शंस में ट्राई दिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 107 पर गिवन है और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज शो 3/5 ऑन नंबर लाइन। आपको 3/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है या फिर शो करना है, ठीक है? देखिए, जो नंबर है 3/5, ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, है ना? यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है, मीन्स ये कैसा फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है? और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है, ठीक है? मीन्स ये 3/5 जो है ये 1 से छोटा है, और 3/5 जो है वो 0 से बड़ा है। भाई ये नंबर 0 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो 3/5 है ये 0 एंड 1 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो आप लिख लीजिए लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये 0 एंड 1 के बीच में कहीं पे लाई करेगा। अब चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। तो ये मैंने बनाया नंबर लाइन, यहां मैंने लिखा 0 और यहां लिखा 1। ये जो 3/5 है इसी 0 और 1 के बीच में कहीं पे लाई करेगा। अब इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ये डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर कितना है? 5, मीन्स इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये मैंने 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब ये जो 0 है इसका मतलब होगा 0/5, ये जो पहला पॉइंट है 0 से फर्स्ट पॉइंट जो है ये 1/5 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड ये जो सेकंड पॉइंट है ये 2/5 को, और ये 3/5 को, ये 4/5 को, और ये 5/5 को रिप्रेजेंट करेगा। 5/5 मींस 1, ठीक है? तो आपको क्या शो करना था? 3/5। तो ये रहा आपका 3/5, आप इसको ऐसे सर्कल कर दीजिए, ठीक है? ये आपका जो पॉइंट है ये 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, शो 1/10, 0/10, 5/10 एंड 10/10 और नंबर लाइन। आपको इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है या फिर शो करना है। देखिए यहाँ पे जो फ्रैक्शंस है इन सबके डिनोमिनेटर सेम है, ओके? अब ये जो 0/10 है ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, 0/10 मीन्स 0, और ये जो 10/10 है ये कंप्लीट 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? अब बाकी के जो फ्रैक्शंस है 1/10, 5/10, ये कैसे फ्रैक्शंस है? तो इनमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है कि नहीं? मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है, और प्रॉपर फ्रैक्शंस की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है ना? और ये 0 से बड़े हैं दोनों, 0 से बड़े हैं, 1 से छोटे हैं, मीन्स ये 0 एंड 1 के बीच में कहीं लाई करेंगे, 0 एंड 1 के बीच में कहीं लाई करेंगे। तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दोनों फ्रैक्शन है ये 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करेंगे। तो चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। हम 0 से 1 तक ही बनाएंगे क्योंकि उसी में ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो यहां मैं बना रही हूं 0 और यहां मैं बना रही हूं 1। अब इसके कितने इक्वल पार्ट करने हैं ये डिपेंड करता है डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर है 10, मीन्स इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। चलिए करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ओके? अब ये जो 0 है ये 0/10 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1/10, ये 2/10, ये 3/10, ये 4/10, ये 5/10, ये 6/10, 7/10, 8/10, ठीक है? ये वाला 9/10, और ये जो 1 है ये 10/10, ठीक है? आपको क्या क्या शो करना था? 1/10 को शो करना था। तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे एक सर्कल करके ऐसे क्रॉस कर देना, ठीक है? ये हो गया हमारा 1/10। 0/10 कहाँ पे है? ये रहा 0/10, ठीक है? देन 5/10, ये रहा 5/10 को रिप्रेजेंट कर दीजिए, एंड 10/10, ये रहा 10/10, ठीक है? आप इस चाहे 1 को हटा के यहाँ पे डायरेक्ट आप 10/10 लिख लीजिए, 10 बाई
10. Okay, this is your answer. Now third question, can you show any other fraction between 0 and 1? क्या आप कोई और फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में शो कर सकते हो? तो देखिए जो ट्राई दीज है ये जिस पेज पे गिवन है, इस पेज पे आप ऊपर देखना, आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं. जैसे 1/2 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है. 1/3 2/3 ये भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है. ये दोनों नंबर लाइन आपकी बुक में गिवन है. ठीक है, आप ऊपर देखना, आपकी बुक में ये दोनों नंबर लाइन गिवन है. ये 1/2 आपको कैसे मिलेगा? जब आप ये जो 0 और 1 के बीच में जो गैप है, इस गैप को जब आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तब आपको 1/2 मिलेगा. जब मैंने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ये होगा 0/2, ये होगा 1/2 और ये होगा क्या 2/2. 2/2 मीन्स 1. और ये आपको कब मिलेगा 1/3 2/3? तो जब आप 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तब आपको 1/3 और 2/3 मिलेगा. देखिए ये है 0/3, ये 1/3, ये 2/3 और ये 3/3. 3/3 मीन्स 1. क्वेश्चन में कह रहा है कि कैन यू शो एनी अदर फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1? क्या आप कोई और फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हो? मीन्स इसके अलावा ये जो 1/2, 1/3, 2/3 दिया है, इसके अलावा क्या कोई और फ्रैक्शन आप 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो यस, हम कर सकते हैं. हम बहुत सारे फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे जैसे इस गैप को, ये जो गैप है 0 और 1 के बीच, इसको आप जितने ज्यादा इक्वल पार्ट में डिवाइड करते जाओगे उतने ही ज्यादा फ्रैक्शन आपको मिलते जाएंगे. जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो गैप है 0 और 1 के बीच, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो एक फ्रैक्शन मिला 0 और 1 के बीच. ठीक है, फिर इसी गैप को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो दो फ्रैक्शन मिला 0 और 1 के बीच. फिर जब आप इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ये देखिए मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने जा रही हूं. ये है 0, ये है 1. सो 1, 2, 3, 4 4 इक्वल पार्ट्स हो गए. तो ये होगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और ये 1 मीन्स 4/4. देखिए जब आपने इस गैप को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो आपको 3 फ्रैक्शन मिल रहे हैं. कितने? 3 फ्रैक्शन मिल रहे हैं. फिर जब आप इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो, चलिए इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ये है 0, ये है 1. ठीक है, तो ये होगा 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट. ठीक है, ये 0/5 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5, 4/5 और 1 का मतलब 5/5. तो 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शन मिल रहे हैं? देखिए 1, 2, 3, 4. अब यहाँ आपको 4 फ्रैक्शन मिल रहे हैं. मैं ये दोनों फिगर इरेज कर रही हूँ क्योंकि ये आपकी बुक में बना है. ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ. तो आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि क्या आप कोई और फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में शो कर सकते हो? तो देखिए मैंने इतने सारे शो कर दिए, अभी और भी हम कर सकते हैं. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? यस, वी कैन शो एनी अदर फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1. हम और भी फ्रैक्शन शो कर सकते हैं 0 और 1 के बीच. अब आगे कह रहा है राइट 5 मोर फ्रैक्शंस. आपको 5 और फ्रैक्शंस लिखने हैं दैट यू कैन शो, जो आप शो कर सकते हो 0 और 1 के बीच. एंड डिपिक्ट देम ऑन नंबर लाइन. फिर आपको उसे नंबर लाइन पे डिपिक्ट करना है. डिपिक्ट करना है मीन दर्शाना है. तो चलिए ऐसे 5 फ्रैक्शंस हम लिख लेते हैं. मैंने पहला फ्रैक्शन लिखा 1/8, 2/8, 3/8, ठीक है, 4/8, 5/8. 5 ही लिखने थे, मैंने 5 लिख लिए. इसको नंबर लाइन पे डिपिक्ट करना है तो चलिए एक नंबर लाइन बनाते हैं. ये है 0 और ये है 1.
इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो ये होगा 1/8, ये होगा 2/8, ये होगा 3/8, ये होगा 4/8, ये होगा 5/8, ये होगा 6/8, ये होगा 7/8, ठीक है। क्या क्या शो करना है, 1/8 ये रहा, 2/8 ये रहा, 3/8 ये रहा, 4/8 ये रहा, 5/8 ये रहा। आप ऐसे बहुत सारे और भी फ्रैक्शन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, जैसे 1/9, 2/9, 5/9, ठीक है। और आप क्या शो कर सकते हो, 1/11, 3/11, 7/11, ठीक है। आप बहुत सारे फ्रैक्शन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस लाई करते हैं। थिंक, डिस्कस एंड राइट योर आंसर। सोचिए, डिस्कस करिए और फिर आप अपना आंसर लिखिए, ठीक है। तो जो थर्ड क्वेश्चन था, जो इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें हम लोगों ने कुछ फ्रैक्शंस देखे थे जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे थे। वो फ्रैक्शंस कौन कौन से थे, तो 1/2 था, 1/3 था, 2/3 था, ठीक है, और कौन सा था, 1/4, 2/4, 3/4, है ना, और कौन से देखे थे, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, इतने सारे फ्रैक्शंस हम लोगों ने देखे थे। ये फ्रैक्शंस हम लोगों को कब मिले थे, जब ये जो गैप है 0 और 1 के बीच, इसको जब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तब हमें 1/2 मिला था। जब इसी गैप को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तब हमें 1/3 और 2/3 मिला था। जब इस गैप को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, तब हमें 1/4, 2/4, 3/4 मिला था। जब इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये होगा 1/5, ये होगा 2/5, ये होगा 3/5, ये होगा 4/5, ठीक है। तो क्या इतने ही फ्रैक्शंस हैं जो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हो, सोचिए। तो इसका आंसर है नहीं। जब आपने इस गैप को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो आपको 1 फ्रैक्शन मिला। जब आपने इस गैप को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो आपको 2 फ्रैक्शन मिला। जब आपने इस गैप को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो आपको 0 और 1 के बीच 3 फ्रैक्शंस मिले। जब आपने इस गैप को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आपको 4 फ्रैक्शंस मिले 0 और 1 के बीच। ऐसे ही जब आप गैप को जितने ज्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते जाओगे, उतने ही ज्यादा फ्रैक्शंस आपको मिलते जाएंगे। यहां मैं एक नंबर लाइन बना रही हूं, ये है 0 और ये है 1। अगर मैं इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ये जो गैप है, अगर मैं इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो देखिए आपको कितने फ्रैक्शंस मिल रहे हैं, बहुत सारे फ्रैक्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पे 99 फ्रैक्शंस मिलेंगे 0 और 1 के बीच में। अगर मैं बोलूं कि इसको 1000 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1000 इक्वल पार्ट में, तो आपको और सारे बहुत सारे फ्रैक्शंस मिलते जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि इसको करोड़ पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तब सोचिए आपको कितने फ्रैक्शंस मिलते जाएंगे। तो आप जितने पार्ट्स में इसको डिवाइड करते जाओगे, उतने ही फ्रैक्शंस आपको मिलते जाएंगे। तो आप काउंट नहीं कर सकते हो कि 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस लाई करते हैं। तो आप अपना आंसर क्या लिखोगे, आप लिखोगे देयर आर इनफाइनाइट फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1। इनफाइनाइट फ्रैक्शंस हैं जो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। जब आप इस गैप को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ये जो 0 और 1 के बीच में गैप है, जब आप इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो मैंने कहा था 0 और 1 के बीच में 99 फ्रैक्शंस मिलेंगे। और वो फ्रैक्शंस कौन कौन से होंगे, तो
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये देखिए मैं इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। सपोज करिए ये 100 इक्वल पार्ट्स हो गए, तो ये जो पहला वाला पॉइंट है ये 1/100 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो सेकेंड पॉइंट है ये 2/100 को, थर्ड पॉइंट 3/100 को, ऐसे डॉट 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 4/100, 5/100, 20/100, 30/100, ऐसे फिर लास्ट वाला जो पॉइंट है वो 99/100 को रिप्रेजेंट करेगा, 99/100 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको कितने फ्रैक्शंस मिले 0 और 1 के बीच? 99 फ्रैक्शंस मिले। अब जैसे जैसे आप इसको जितने ज्यादा इक्वल पार्ट में डिवाइड करते जाओगे उतने ही फ्रैक्शंस आपको मिलते जाएंगे। आप अगर इसको 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो 1/1000, 2/1000, 3/1000, डॉट 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 डॉट, ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस मिलेंगे। जब आप इस गैप को करोड़ पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो 1/करोड़, 2/करोड़, 3/करोड़, डॉट डॉट, बहुत सारे फ्रैक्शंस मिलेंगे। नंबर कभी एंड नहीं होते, करोड़ के बाद और बड़े बड़े नंबर होते हैं, है ना, नंबर्स कभी एंड नहीं होते। तो आप इसको डिवाइड करते जाओगे, है ना। इसका मतलब है कि 0 और 1 के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शंस लाई करते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो इनफाइनाइट होते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1। ओके, होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।